करती हो तुम? मैं कुछ नहीं करती। ये कुछ भी नहीं करती, मैं कुछ भी बस ये बहुत सी डिवाइसेस ले लेके घूम रही होती है। गुगल ने जितना मुझे पूरा छोड़ के लिए सारा सपोर्ट किया है, मजा आ रहा है, बहुत मजा, बड़ी प्यारी कसम। She actually has done the interior also of my house. तो आपने समझ नहीं आ रही इसको मैं क्या क्या बुलाऊँ, पिछले 17 साल से तो मैंने कभी नहीं बोले बाल, तो ये इस बेचारी के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा। काम वो तो दिल लगा रहता है, वरना बोरियत होती है, रमजान मुश्किल हो जाता है। By the way, इनकी बातों पे मत जाना, he's actually one of my best friends also. Okay, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ इस इंडिविजुअल से जो मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही क्यूट से और मासूम से लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये उस्तादों के उस्ताद हैं, ये एक्चुअली मेरे उस्ताद हैं। आई ऑलवेज टॉक अबाउट कैसर शरीफ इन माई वीडियोज ऑल्सो एंड देन ऑन एयर ऑल्सो। दिस इज द ग्रेट कैसर शरीफ, वी आर अबाउट द सेम एज बाय द वे, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे बाकायदा रमजान ट्रांसमिशन करना सिखाया, मॉर्निंग शोज में लेके चले। इफ इट वॉजन फॉर हिम, मेरा इतना लंबा जो 17-18 ईयर्स का मॉर्निंग शोज का टेन्योर रहा है वो ना रहता, ये मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं रमजान पाकिस्तान की। बॉस, यू आर हेडिंग द होल थिंग, अपना एक्सपीरियंस बताएं। लाहौर वापस आई है ट्रांसमिशन आफ्टर आई थिंक 3 years, थ्री फोर ईयर्स, तो कुछ बताएंगे, यू आर बैक हेडिंग इट। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने स्टूडियोज में अपने लोगों के साथ अपना ट्रांसमिशन करता है तो रमजान की भी और होती है। बट इजन इट डिफिकल्ट इतने ज्यादा लोगों को मैनेज करना? आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लाहौर में भी आप हैंडल कर रहे हैं, कराची की टीम को भी देख रहे हैं, इस्लामाबाद को भी देख रहे हैं, पूरे। नहीं, वो मुश्किल नहीं है, काम वो तो दिल लगा रहता है, वरना बोरियत होती है, रमजान मुश्किल हो जाता है। बॉस आते रोजे भी पूरे होते हैं तो इबादत समझ के करें तो ओके है, मजा है, मजेदार है। सो दिस इज माय बॉस, वेरी हंबल, वेरी आजिज एंड एन ऑसम पर्सन, माय कैसर शरीफ। Okay, now I have with me the content head of Morning at Home, हमारा जो morning show भी होता है, and then कुछ इतने impressive ने निकला है अहमद हाशमी के, ये अब हमारी रमजान ट्रांसमिशन के भी content head है। हाशमी साहब जी, हम ये तीसरी रमजान ट्रांसमिशन साथ कर रहे हैं, दो हमने A+ पे किए साथ और अब हम इधर PTV पे कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब content बना रहे होते हैं रमजान पाकिस्तान का तो कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं? सबसे पहले तो ये मद्देनजर रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचे, और जिस तरह से जुगन इसको एग्जीक्यूट करती है, और मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है जुगन के साथ, इतने अच्छे तरीके से ये लोगों को गाइड करती है। इनकी जो सबसे अच्छी बात ये है, बाय द वे, इनकी बातों पे मत जाना, ही इज एक्चुअली वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आल्सो, तो ये इस वजह से ना इनको उस पे बात करते हैं ना, ये हो रहा है कि वो जरा कच्चे हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जुगन की है कि जुगन जब भी हमारे स्कॉलर्स बैठे होते हैं उनके सामने एक छोटा सा बच्चा बन जाता है, इवन कि इनको सब पता है। व्यूअर्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन्हें सब पता है कि ये क्या क्वेश्चन कर रही हैं और इसका आंसर क्या है, लेकिन ये आप लोगों के लिए इस तरह क्वेश्चन करती हैं क्योंकि जब स्कॉलर्स इनको समझाएं तो आप लोगों को एक्चुअली समझ आए कि हो क्या रहा है। देखिए हाशमी साहब, हम इनको हाशमी बुलाते हैं, अहमद कमी बुलाते हैं, हाशमी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जब होस्ट खुद स्कॉलर बन जाता है तो फिर स्कॉलर की जरूरत नहीं है। इंद्राणी के अंदर पैस्चराइज करता है, मक्खन तो बनता ही ताजा दूध से है, जैसे कि एडम्स का मक्खन बहुत ही लजीज है, और पकौन हाइजीन के असूलों पर तैयार किया जाता है ताकि आपको मिले इजाइयत से भरा मजा। एडम्स की नेचुरल दही भी जो बनती है वो भी बहुत ही लजीज होती है, ताज़ा और खालिस दूध से तैयार की जाती है, किया जाता है मक्खन वो भी बहुत ही लजीज, उसके साथ साथ तैयार किया जाता है दही, चीज़ें, सो बहुत से इनके अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं और हम भी आपको रेकमेंड करेंगे, बल्कि हम सैंपलर्स जो है अपनी ऑडियंस को भी देते हैं और अपने गेस्ट को भी देते हैं गिफ्ट हैंपर्स। जी, अब
मालिका मंसूर हमारे साथ हैं. शी इज एक तो सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी इज माई मैनेजर. एंड उसके साथ साथ क्या करती हो तुम? मैं कुछ भी नहीं करती. कुछ भी नहीं करती, बस ये बहुत सी डिवाइसेस ले लेके घूम रही होती है. लाइक रमजान ट्रांसमिशन की पूरी कोऑर्डिनेशन, गेस्ट की सारी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तुम सारा कुछ एक तरह से लाइव प्रोडक्शन कर रही हो. सो कुछ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगी? एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है. रमजान ट्रांसमिशन जुगन के साथ मैंने पहले भी की है और कैसर साहब के साथ मैंने स्टार्ट भी किया था. और तब जुगन और जिनके साथ पहली दफ़ा मैंने रमजान ट्रांसमिशन की, उसके बाद से अब तक का मेरा सफ़र है. तो तब से अब तक मैंने बहुत कुछ सीखा है. और तब एक एज इंटर्न ही आई थी और आज पूरी सारी कोऑर्डिनेशन देख रही हूँ सारी चीज़ें. खुद भी माशाल्लाह यू आर अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर एंड अ ब्रिलियंट डायरेक्टर. आप तो माशाल्लाह कोशिश कर रही, टीवी सीरीज एंड डीवी सीरीज भी डायरेक्ट कर रही हैं. आपकी सपोर्ट है जो सारा कुछ हो रहा है. जुगन ने जितना मुझे पूरा थ्रू द करियर सारा सपोर्ट किया है बड़ी बहन की तरह. अच्छा ये जो मैं आज की वीडियो बना रही हूँ उसके लिए बना रही कि तुम लोग भी तारीफें करो. मैं इसलिए बना रही हूँ कि तारीफ को झूठी तारीफ नहीं है, क्योंकि आई वांट पीपल टू नो कि देखो ऑन स्क्रीन तो लोग सबको देख ही रहे हैं, पर जो एक टीम है जो इस पूरी ट्रांसमिशन को आगे लेके चल रही है. खैर अगर सबका इंटरव्यू किया तो फिर 50 वीडियोज बन जाएंगी, बट एटलीस्ट जो मेन लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है उनसे भी मुलाकात करे. सो यू नो यू गाइज मेक अ रियल एफर्ट. इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी चीजें मैनेज करना आसान काम नहीं है. हाँ जी. सो अब मेरे साथ है निदा. निदा इज माय स्टाइलिस्ट फॉर द मॉर्निंग शो एज वेल एंड शी एक्चुअली हैज डन द इंटीरियर आल्सो ऑफ माय हाउस. तो अपने समझ नहीं आ रही इसको मैं क्या क्या बुलाऊँ. बट निदा, रमजान की स्टाइलिंग में और मॉर्निंग शो की स्टाइलिंग में क्या डिफरेंस फील कर रही हो? रमजान की जो स्टाइलिंग है उसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कि दुपट्टे प्रॉपर होने के लिए अच्छा से दुपट्टा भी देना है प्रॉपर, क्योंकि मैं वो खुले बालों वाला सिलसिला इवन दो निदा ने कहा कि सर बाल खुले वगैरह, बट कोई वाली बात है कि कलाम होता है और सारे मामलात होते हैं, फिर के बीच में पढ़नी होती है. तो अगर पूरे बाल खुले में हो तो वो मतलब दैट्स नॉट माय स्टाइल. पिछले 17 साल से तो मैंने कभी नहीं खोले बाल. तो ये इस बेचारी के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा. लेकिन चलो अब देखते हैं कि मॉर्निंग शो में नेक्स्ट किस्म की स्टाइलिंग आती है. बट लोगों को लगता है ना कि जैसे एक लुक है तो वो बस हर रोज अपने घर के कपड़े पहन लेते हैं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आपको डिजाइनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ज्वेलरी, शूज, मतलब सारी चीजें. फिर एक निदा की एक्साइटमेंट के चूड़ियां भी डेली उन्होंने पहनवानी होती है. तो एंड ऑब्वियसली क्योंकि रमजान एक सेलिब्रेशन का वक्त है, इबादत का वक्त तो है लेकिन एक खुशी का वक्त है, तो सेलिब्रेट करने का हमारा ये एक मासूम सा तरीका है. हाँ जी. अब आई एम विद फातिमा खान. ये जो छोटा सा हमारा बेबी है ये हमारी सारी स्क्रिप्टिंग को देखती है एंड सारी हमारी जो कंटेंट है उसको तरतीब में लेके आती है. तो फातिमा, ये तुम्हारा तीसरा एक्सपीरियंस है रमजान का, सेकंड ट्रांसमिशन है हमारे साथ रमजान ट्रांसमिशन की. तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगी और स्क्रिप्टिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखती? मेरा मैम के साथ, जिगर आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है. एक अगर क्रेडिट दूंगी तो सबसे पहले मैम जिगर को दूंगी, जिगर आपके लिए. हाँ, मैम पे मार पड़ती है इसको. और दूसरी बात ये है, मेरी बात नहीं करनी, अपने काम में. मैं आज सेकंड मैं जुगन आपको देती हूँ और सेकंड ट्रेड में सर हाशमी को देती हूँ. एमरी हाशमी जो हमारे कंटेंट हेड हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. और बाकी रहेगी स्क्रिप्ट में सीक्वेंस की बात, तो जो इस्लामिक कंटेंट आता है वो उसके साथ तरतीब देती हूँ. और फिर जो सेलिब्रिटी गेस्ट वगैरह होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैम को तरतीब करके देती हूँ जुगन आपको. तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. बड़ी प्यारी कसम, और ये भी बहुत प्यारी. सो ये वो चंद लोग थे जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा पाई. एक्चुअली हमारी टीम इतनी बिजी होती है कि उनके पास वक्त नहीं होता एक लम्हे का भी. बिकॉज आप सोचे ना कि 5-6 आवर्स की लाइव ट्रांसमिशन है. मॉर्निंग शो में 2 घंटे होते हैं लाइव और 5 डेज अ वीक होता है. ये 30 दिन लगातार होता है और रमजान शुरू होने से भी 10-15 दिन पहले जो है काफी हबड़ दबड़ होती है. और एक्चुअली रमजान की प्रेपरेशन 2 माह पहले शुरू हो जाती है. सो आप सुन रहे होंगे अभी भी काफी शोर है, अब हमें वापस ऑन एयर जाना है. तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स थे ऑफ द रमजान ट्रांसमिशन, जो बिहाइंड द सीन्स बहुत मेहनत करते हैं. और बाय द वे हर सेगमेंट के अपने अलहदा प्रोड्यूसर्स हैं. सो इट्स नॉट अ पर्टिकुलरली इजी सिचुएशन टू हैंडल, बट ये कुछ हमारी फैमिली है रमजान पाकिस्तान की.